माई स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3. टुडे इज अ लवली डे. माई सेल्फ अनिल सिंह राजपूत फ्रॉम रेडियन पब्लिक स्कूल बक्सर. ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन बिहार आवर स्कूल स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेज ऑन यूट्यूब. सो आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑनलाइन क्लासेज फॉर क्लास 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. या मैथमेटिक्स में गणित. सो लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, ये आपकी मैथमेटिक्स इन एक्शंस की बुक है फॉर क्लास 3. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.10 तक बता दिया था और आज मैं मेंटल मैथ बताने जा रही हूँ. डेट है आपका 19/6/2020 और आपको फ्राइडे को ये सब्जेक्ट होता है मैथ, तो फ्राइडे आपका डे है. और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ 5431. 5431 का आपको सक्सेसर और प्रेडिसेसर दोनों बताना है. तो सक्सेसर का मतलब होता है कि जिस किसी भी नंबर में जो नंबर हमारा दिया है, जब हम उसमें 1 जोड़ते हैं तो वो हमारा सक्सेसर होता है. और प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि जिस ये जो नंबर हमारा दिया है, दिए गए नंबर में जब हम 1 घटाते हैं तो वो हमारा प्रेडिसेसर होता है. तो ये देखिए, फर्स्ट है हमारा सक्सेसर है. तो पहले हमको सक्सेसर इसका लिखना है 5431 का, और प्रेडिसेसर भी लिखना है. तो 5431 का सक्सेसर होगा 5432 और प्रेडिसेसर होगा 5431 का 5430. सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नंबरल फॉर 5006. 5006 को हमको संख्या में लिखना है. तो 5006 का होगा 5006, मतलब 5006. थर्ड है आपका अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड राइट 5 मोर नंबर्स इन द सीरीज. पैटर्न को समझते हुए 5 और नंबर आपको, 5 और संख्या आपको लिखना है जो सीरीज दिया हुआ है. सीरीज मतलब होता है श्रृंखला. पहला हमारा है 2963, मतलब 2963 कॉमा 2965 कॉमा 2967 कॉमा, और फिर आपको डैश दिया है, फिर कॉमा, फिर डैश दिया है, फिर कॉमा, फिर डैश. मतलब कि ऐसे 5 डैश आपको दिया है और आपको पैटर्न को समझते हुए पूरे डैश को, 5ों डैश को आपको और नंबर उसका लिखना है. तो 2963 के बाद एक एक नंबर हर नंबर में छोड़ा गया है उसमें. तो देखिए, 2963 के बाद 2964 होगा, तो वहाँ पर 64 ना होकर 65 है. मतलब एक एक नंबर छोड़ के हमको लिखना है. तो क्या होगा, 2969 कॉमा 2971 कॉमा 2973 कॉमा 2975 कॉमा 2977. ये हमारा पैटर्न है. फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम फॉर 3008. 3008 का आपको क्या लिखना है, संख्याओं का नाम लिखना है. नंबर नेम मतलब होता है संख्याओं का नाम. तो 3008 को हम लिखेंगे THREEE 3, THOUSANDE 1000 और EIGHT 8. 3008 का ये आपका नंबर नेम है. फिफ्थ क्वेश्चन है, कंपेयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू साइन. मतलब कि तुलना कर रिक्त स्थानों को भरना है स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाकर. ये हमारा क्वेश्चन है. 2623 2613, मतलब दोनों को कंपेयर करना है. पहले हम क्या करते हैं कि 1000 डिजिट को कंपेयर करते हैं. अगर हमारा 1000 डिजिट सेम नहीं होता है तो हम उसको चेक करते हैं, लेकिन अगर हमारा 1000 डिजिट सेम होता है तो हम 100 को चेक करते हैं. यहाँ पर देखिए, आप 100 डिजिट भी आपका सेम है तो फिर हम 10th डिजिट को चेक करेंगे. 10th में हमारे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो हम 2623, मतलब 2623 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे. बी है हमारा 5586 और 5568. इस दोनों में आपको कंपेयर करना है. तो हमारा 1000 प्लेस पर दोनों 55 ही डिजिट है और 100 प्लेस पर भी 55 है. फिर हम क्या करेंगे, 10th डिजिट को चेक करेंगे, 10th प्लेस को. 10th प्लेस पर एक जगह हमारा 8 है और यहाँ पर 6 है. 8 और 6 में बड़ा क्या होता है, तो 8 बड़ा होता है. तो 5586 के तरफ हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, मतलब 5586 के तरफ. सिक्स क्वेश्चन है आपका, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर को हम बोलते हैं आरोही क्रम. असेंडिंग ऑर्डर मतलब, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो हमारा नंबर लिखा है उसको हमको छोटा से बड़ा रूप में लिखना है. तो यहाँ पर छोटा से बड़ा मतलब कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम. जैसे हमारा यहाँ पर नंबर है 5132 कॉमा 3420 कॉमा 8806 और कॉमा 1294. इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 1294 कॉमा 3420 कॉमा 5132 कॉमा 8806. मतलब कि इसमें सबसे छोटा हमारा 1294 है और सबसे बड़ा हमारा 8806. छोटा से बड़ा मतलब छोटा पहले लिखाएगा और अंत में हमारा बड़ा लिखाता है 8806. सेवन क्वेश्चन है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर को हम बोलते हैं हिंदी में अवरोही क्रम. डिसेंडिंग ऑर्डर
ऑर्डर का हिंदी होता है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर को मतलब होता है आपको कि को जो नंबर हमारा लिखा होता है, जिस कोई भी नंबर, जिस नंबर को हम बड़ा से छोटा रूप में लिखते हैं वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, अवरोही क्रम होता है। तो हमारा नंबर है 6963 मतलब 6963 3278 7642 5246। इसमें आपको सबसे बड़ा नंबर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो इसमें सबसे बड़ा है 7462 6963 5246 3278। आपको क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़ा से छोटा, देखिए बड़ा से शुरू हुआ और छोटा से खत्म हुआ। ठीक है, अब हम 8 क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो हमारा चार अंक की संख्या लिखी है उससे हमको ग्रेटेस्ट बड़ा संख्या लिखना है और स्मॉलेस्ट छोटी संख्या लिखनी है। ग्रेटेस्ट मतलब होता है बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब होता है छोटा। तो इससे पहले 4539 से हमको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो इसमें सबसे बड़ा हमारा 9 है तो लिखेंगे 9। उसके बाद 5, 4, 3 मतलब कि 4539 का ग्रेटेस्ट होगा 9, 5, 4, 3 और स्मॉलेस्ट होगा 3, 4, 5, 9। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे। राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अब हमको क्या करना है, नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ हमारे नियरेस्ट 100 का करना है। तो हमारा एक क्वेश्चन है 365। जब हम नियरेस्ट 100 की बात आती है तो हम क्या करते हैं, अपने 10th प्लेस को चेक करते हैं। हमारा अगर 10th प्लेस 5 से ज़्यादा है या 5 है तो हम क्या करेंगे कि 1 और 10th के प्लेस पर 0 हो जाता है और 100 के प्लेस पर 1 बढ़ जाता है। अगर हमारा 10th प्लेस 5 से छोटा है तो 1 और 10th के प्लेस पर 0 हो जाता है और 100 के प्लेस पर कोई चेंजिंग नहीं आता, सेम नंबर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा 365 में हमारा 10th प्लेस पर 6 है, तो हम क्या करेंगे कि पहले 1 और 10th प्लेस पर हम 0 लिख देंगे और 3 है जो हमारा 100 के प्लेस पर और 6 है हमारा 10th प्लेस पर था, तो 6 क्या था, 5 से बड़ा था, तो हम 3 में 1 जोड़ देंगे। जब कोई 5 से बड़ा डिजिट 10th के प्लेस पर होता है तो हम क्या करते हैं कि 100 के प्लेस पर 1 जोड़ते हैं। तो 365 का राउंड ऑफ 100 क्या होगा, नियरेस्ट 100 400। बी है 4875, इसका नियरेस्ट 100 करना है। तो आप देखिए, आप सबसे पहले 10th प्लेस को चेक करोगे, 10th प्लेस में 5 से ये बड़ा है, जब 5 से बड़ा होता है तो 100 प्लेस पर 1 जोड़ देते हैं, तो 1 प्लेस पर हम 0 लिख दिए, 10th प्लेस पर भी हम 0 लिख दिए और 100 प्लेस पर 1 जोड़ते हैं क्योंकि ये 5 से बड़ा है 10th प्लेस पर। तो 100 प्लेस पर 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 का 4 मतलब कि 4875 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 4900। सी है आपका 7762 में आपका देखिए कि 10th प्लेस पर 6 है मतलब कि 5 से बड़ा है, तो 1 प्लेस पर हम 0 लिखेंगे, 10th प्लेस पर भी 0 लिखेंगे और जब हमारा 10th प्लेस पर 5 से कोई डिजिट बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके 100 प्लेस पर 1 जोड़ देते हैं। तो 7 में 1 जोड़ दिए तो 8 हो गया और 7 का 7 मतलब 7762 का नियरेस्ट 100 7800। 10th क्वेश्चन है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, किस में लिखना है, तो विस्तारित रूप में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम विस्तारित रूप भी बोलते हैं और बड़ा रूप भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 4526 4526, जो 6 हमारे 1s के प्लेस पर है, 2 हमारे 10s के प्लेस पर है, 500 और 4 हमारे 1000, हर जगह हमारा लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1000 फिर 100 फिर 10s फिर 1s, जो जो जिस प्लेस पर है उसको उस प्लेस पर पहले लिखना है। तो 4 को हम पहले लिखेंगे 1000 के प्लेस पर, 5 को लिखेंगे 100 के प्लेस पर, 2 को लिखेंगे 10s के प्लेस पर और 6 को लिखेंगे 1s के प्लेस पर। उसके बाद हमको एक विस्तारित रूप में लिखना है, बड़े रूप में लिखना है। तो 4 के बाद कितने डिजिट है, जितना डिजिट उतना 0, तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 प्लस, 5 लिख दिए, 5 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 प्लस, 2 लिख दिए, 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1020 हो गया प्लस, 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 6 का 6 मतलब कि 4526 का विस्तारित रूप क्या है, 400 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 6। 11th क्वेश्चन है हमारा राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, मतलब कि क्या, किस में लिखना है हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है मानक रूप या छोटा रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम है आपका शॉर्ट फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 3 के बाद 30 मतलब कि 3000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते वक्त हम क्या करते हैं, छोटा रूप में लिखते वक्त क्या होता है, जहां भी जिस डिजिट के पास 0 होता है तो वहां से वो डिजिट से 0 हटाकर हम सिर्फ डिजिट को लिख देते हैं। जहां जहां 0 लिखा होगा वहां से 0 हटाकर सिर्फ डिजिट को पुट करना। तो यहाँ पे 3 के बाद 30 है, तीनों 0 को हटाओगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दिया 3 प्लस 3 100 है, तो 100 में से दोनों 0 हटा दिए लिखे 3, फिर प्लस 30 है, 30 में से एक 0 हटा दिए बचा 3, फिर प्लस 3 है तो 3 मतलब कि 3000 प्लस
300 + 30 + 3 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, छोटा रूप क्या होगा, तो 3333। अब हमें मतलब कि 333। 12th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इन सर्कल डिजिट। जो हमारे जिस डिजिट पे जिस अंक पर गोला किया गया है उसी डिजिट का हमको प्लेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू को हम हिंदी बोलते हैं स्थानीय मान, मतलब कि स्थान का मान निकालना है। 5493 में 9 का प्लेस वैल्यू बताना है, क्योंकि 9 पे हमारा गोला किया गया है। तो 9 के बाद कितना डिजिट है, तो पहले आप 9 का 9 लिखोगे, जितना डिजिट उतना जीरो, तो 9 के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो हो जाएगा। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि 9 हमारे टेंस के प्लेस पर है। 8405 मतलब 8405 का आपका 4 का प्लेस वैल्यू बताना है, क्योंकि 4 पर सर्कल किया गया है। 4 के बाद कितना डिजिट है, दो डिजिट है, तो 4 पे दो जीरो लिख दोगे। 4 किस प्लेस पर है, तो 100 के प्लेस पर है, तो 400 होता तो हमने 400 लिख दिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका मतलब कि आज का मेंटल मैथ का वन से लेकर और 12th तक क्वेश्चन था। इसको अपने बुक में करना है और व्हाट्सअप ग्रुप पर इसको भेजना है। अगर और नहीं समझ में आएगा तो आपको पूछना भी है, क्योंकि ये YouTube पे जा रहा है, और अच्छे से इसको फेयर कॉपी पे या बुक पे करके, जिसके पास कॉपी नहीं है वो बुक पे लिखेगा, जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी पे लिख लेगा। सो थैंक यू माय स्टूडेंट वाचिंग माय वीडियो एंड आल्सो हैव अ नाइस।